दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों अगर आप भी पिंपल फोड़ने के आदि हो गए हैं तो ये बातें जरूर जान लें। आपके चेहरे पर अगर पिंपल्स निकलते हैं और आप उसे फोड़ देते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। चेहरे पर निकले मुहासे को कभी फोड़ना नहीं चाहिए। चेहरे पर दाग पड़ जाता है और चेहरा बहुत ही ज्यादा खराब दिखने लगता है। पिंपल को फोड़ने पर इन्फेक्शन हो जाता है जो कि और भी ज्यादा घातक है। मुहासों ने गंभीर रूप ले लिया हो तो त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। पिंपल को फोड़ने से वो त्वचा के आसपास के ऊतकों में चला जाता है। इससे उस जगह पर कई सारे रोगाणु फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा करने पर भयंकर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। जब आप पिंपल को फोड़ते हैं तो आप चेहरे पर एक घाव बनाते हैं जिससे वो घाव समय के साथ बढ़ता जाता है और एक दाग का रूप ले लेता है। पिंपल फोड़ने से चेहरे पर लाल रंग के दाग बनते हैं जो कि कई दिनों तक फूले हुए नजर आते हैं। ये दाग मेकअप से भी नहीं छुपते। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक पिंपल फोड़ने से चेहरे पर दूसरा पिंपल जल्दी निकल आता है। तो ये तो थे पिंपल फोड़ने के नुकसान। आइए आपको बताते हैं पिंपल को ठीक करने का घरेलू उपाय। चंदन और हल्दी पाउडर का पेस्ट बनाएं दूध मिलाकर। इसे अपने चेहरे पर लगाएं, इससे पिंपल्स जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। पानी के साथ घिसा हुआ जायफल भी एक्ने और पिंपल के इलाज में कारगर है। ग्वार पाठे के रस के नियमित सेवन से त्वचा के कई रोग खत्म होते हैं। ग्वार पाठे का रस सीधे त्वचा पर भी लगाया जा सकता है। इसे आधा कप सुबह शाम लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें। रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ करें और एक चम्मच खीरे के रस में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लें और इसे आधे घंटे में धो दें। इससे पिंपल्स की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक चाय के चम्मच भर जीरे का पेस्ट बना लें और चेहरे पर एक घंटे तक लगा रहने दें। बाद में इसे धो दें। पिंपल ठीक करने के लिए चेहरे पर नीम का फेस पैक लगा सकते हैं। ताजी नीम की पत्तियां और चंदन पाउडर का लेप बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें और फिर चेहरा ठंडे पानी से धो लें। अगर आपको लगता है कि समस्या ज्यादा हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। जुड़े रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया के साथ।